सिर्फ सच। अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। वे यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वैसे तो आदिवासी समाज अमर शहीदों के इस पावन दिन 18 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। ऐसे में सत्ता पक्ष का इस भव्यता से मनाने को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में कयासों का बाजार जहां गर्म है, वहीं कांग्रेस ने भी सत्ता पक्ष के सामने तुरप का इक्का फेंकने में देर नहीं लगाई है। पार्टी ने इस अवसर को भुनाने के लिए सत्ता पक्ष को नसीहत दे डाली है। उसने गृह मंत्री के दौरे पर जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर की संभावना पर जोर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा ने इस अवसर को एक पंथ दो काज में तब्दील करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह नंबर दो की हैसियत रखते हैं। वे चाह लेंगे तो जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बन सकता है। इससे न सिर्फ यहाँ निवेश होगा बल्कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जबलपुर की जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को केंद्र सरकार ने उनको कॉर्पोरेट सिस्टम में लाकर उनको कॉर्पोरेट में कर प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया है और उन्होंने कर दिया और वो हो भी गया है। तो जो जबलपुर का बेसिक चीज़ थी, जबलपुर का मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो ख़त्म हो गया। जहाँ पर लाखों लोग काम किया करते थे और सुई से लेकर पियानो तक की स्थिति की जो यहाँ पर बनती थी और डिफेंस के लिए लगती थी, शहर के लिए लगती थी, देश के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी, उसकी मूल आत्मा ये फैक्ट्रियां थी। अब डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह जी, गृह मंत्री जी की जो आने का आगमन है, गृह मंत्री ही नहीं है अमित शाह तो वो शख्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है। और इस भारतवर्ष में तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये फैक्ट्रियाँ कॉरपोरेट हुई हैं तो मोदी जी और अमित शाह, अगर मोदी जी तय भी कर लेते और अमित शाह जी मना कर देते तो शायद नहीं बन पाती। आज देश में यदि प्रधानमंत्री के समकक्ष कोई ताकतवर नेता है तो वो अमित शाह है। और ऐसा लगता है कि हमारे इस शहर के लिए अगर अमित शाह आ रहे हैं तो उनके आगमन पर इस जबलपुर में, जैसे कि अन्य जहां पर उन्होंने किया, अभी यूपी में किया, कानपुर वगैरह में उन्होंने डिफेंस क्लस्टर की बात करी है, तो डिफेंस क्लस्टर जबलपुर में क्यों नहीं होना चाहिए कि जबलपुर में जहाँ चार चार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, जबलपुर में सीओडी है, जबलपुर में 506 है, तो जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर होना चाहिए। और जबलपुर डिफेंस क्लस्टर के लिए जबलपुर से पर्याप्त कोई अच्छी कोई जगह नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसका सीधा आरोप है कि एक तरफ जबलपुर डेंगू की महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक मशीनरी का ध्यान इसके बजाय दौरे पर लगा हुआ है। और दूसरी चीज, एक चीज और देखने में आई है, जबलपुर जिस ढंग से कोरोना सेकेंड वेव के बाद जिस तरीके से जबलपुर की जो स्थिति हुई थी, शायद देश में जो सबसे खराब स्थितियां थी वो स्थिति जबलपुर में भी थी। आज डेंगू से पूरा शहर पताड़े थे, मगर 15 दिन से हमारा पूरा मध्य प्रदेश की सरकार माननीय अमित शाह जी के स्वागत में लगी है। अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों को प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे हैं। अमित शाह जी के लिए जो खर्च हो रहा है, वो जो देश की जनता का ही पैसा खर्च हो रहा है, बड़े खुशी की बात है कि अमित शाह जी के लिए होना चाहिए, मगर ये मरती हुई कराहती हुई जनता के लिए भी इसी प्रशासन और सरकार का भी ध्यान होना चाहिए कि ये सरकार डेंगू पर नियंत्रण करने के लिए इन अस्पतालों में व्यवस्थाएँ करें और लोगों को राहत दिला के उनके जीवन को बचाने का काम भी यदि करें। जितना अमित शाह जी के आने पर प्रशासन मुस्तैद है, जितना जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगी है, उसका मात्र 5% भी अगर इस जनता के लिए दे दिया जाए तो जबलपुर फिर से कहीं राहत पाएगा और उसको जीवन मिलेगा। प्रशासन गृह मंत्री के आगमन की जैसी तैयारी कर रहा है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। सवाल ये उठता है, ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का क्या? खैर, कांग्रेस ने जबलपुर के हितों को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। देखना यह है कि सत्ता पक्ष इसे लेकर कितनी गंभीरता दिखाता है।